अम्लान पुष्प संकीर्णम् अनंत मधुशोभितम् अशेष फल संपन्नम् सत्कलापल्लवम् भजे पल्लवम् भजे। बच्चे जा पपी देना बदू वाह मालिक आपके निशाने का तो जवाब नहीं। अरे 55 साल हो गए निशाना लगाते हुए अंग्रेजी में, एक बार भी फ्लॉप नहीं हुआ। पिताजी हाँ, इसे आपने मार डाला? अरे आज तो हम इतने गुस्से में थे कि अगर शेर सामने आता तो उसे ही मार डालते। ये तो एक मामूली कबूतर था। आखिर इस बेजुबान ने आपका क्या बिगाड़ा था? कमाल है, अरे घर हमारा, घर की छत हमारी, और इसकी इतनी हिम्मत कि हमारे दुश्मन की जासूसी करने हमारी छत पर आकर बैठ जाए। आज हमने इस जासूस की छुट्टी कर दी, तो फिर ये इस खुशी में आज तुम्हारी भी छुट्टी। गो एंड स्पीक। अरे जाएगा कहाँ, वो क्या समझता है गांव में उसी के पास राइफल है? हमने भी कोई हाथ में चूड़ियां नहीं पहन रखी। आओ अमर बेटे, रुक जा, कहाँ जा रहा है? सुन बेटे, ऐसे ऊंचे इंसान के मुंह लगने से क्या फायदा? फायदा और नुकसान मुझे तुमसे समझने की जरूरत नहीं, तुम हर बात पे अपनी टांग मत आया करो। बिटिया ठीक ही तो कह रही है मालिक, अमर बाबू गांव के लिए इतने अच्छे काम कर रहे हैं और आप उन्हीं के पीछे पड़े। चुप, जब भूल के तुझ घर की नौकरानी है जिसे देखो अमर के गुण गा रहा है, जो अपना काम करो। सच्ची बात न जाने आपको क्यों कड़वी लगती है पिताजी। बस बस, मैंने तुम्हें कॉलेज में इसलिए नहीं पढ़ाया कि पढ़ लिख कर तुम डैडी के सामने जबान चलाओ। जब देखो एक ही बात, अमर ये कर रहा है, अमर वो कर रहा है, अरे हम अच्छी तरह जानते हैं अमर क्या कर रहा है। अमर गांव के किसानों को पढ़ा लिखा कर उनके भेजे की बंजर जमीन में अकल के बीज बोने की कोशिश कर रहा है, लेकिन महाशय ये भूल रहे हैं कि मुकाबला कालीचरण से है। अरे कालीचरण इन जैसे पौधों को पेड़ बनने से पहले ही जड़ से उखाड़ कर फेंक देता है। अरे भाई देखो कालीचरण का मुर्गा आया। अरे वाह क्या सुर्ख मुर्गा है। अरे असली सुर्खी तो तब आएगी जब इसकी गर्दन का बल निकालकर इसे भून कर तैयार किया जाएगा, फिर नमक मिर्च गरम मसाला
मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। अरे तो फिर देर किस बात की है, दुश्मन अपना वार कर चुका है, अब हमारी बारी है, चलो। पकड़ लिया, अब पकेगा। क्या बात है, अरे मुझे काली चरण की टांग तो खींचने दो। अरे जरा मुझे इसकी बलखाती भी गर्दन तो मरोड़ने दो। मजा आ गया जिंदगी का। अबे सब कुछ खत्म कर दिया क्या, उनके लिए भी कुछ रखा है? अजी बहुत कुछ रखा है उनके लिए, बहुत कुछ रखा है। सर पोस्ट। गोपी जी जरा देखना क्या है। रजिस्टर्ड पार्सल। ओ अच्छा 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 अच्छा। गोपी इसे आराम से खोलना है। जरा दस्तखत कर दीजिए। अरे इतना बड़ा पार्सल कहाँ से आया पिताजी? अरे हमारे बरेली वाले मंत्री जी ने भेजा होगा, लंगोटी है ना हमारे। अरे जब हम छोटे छोटे थे ना तो बदलापुर के खेतों में गन्ने चुराने जाया करते थे। देखो अब इतने बड़े ओहदे पे हो गए हैं फिर भी अपने दोस्त को नहीं भूले, कुछ ना कुछ भेजते ही रहते हैं। एक दिन मैंने बातों बातों में कह दिया कि हमारे मुर्गे घुंगरू को काजू बहुत पसंद है, बस हमारे असल नस्ल के मुर्गे के लिए असल नस्ल के काजू भेजे होंगे। मालिक इसमें तो आजू बाजू तक कोई काजू नहीं। अरे बंद करो, अरे बंद करो इसको, अरे हटाओ, अरे हटाओ इसको, अरे हटाओ इसको, बंद करो, अरे बंद करो, अरे ये ओहो, अरे ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं सरकार, अपने घुंगरू के पंख है। मगर घुंगरू कहाँ है? घुंगरू ये रहा घुंगरू। समझ गया, ये शरारत उस बदमाश अमर की। शरारत तो आप ही ने शुरू की थी, आप ही ने उसके कबूतर को मार डाला। जब अपने घर में अपोजिशन हो तो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, बाहर वालों के सामने अपनी क्या पोजीशन होगी। लेकिन मैं भी इसका मानने वाला नहीं, एक एक को हथकड़ी ना लगवाई, जेल ना भिजवाया तो मेरा नाम भी काली चरण नहीं। गोपी लॉबी गोपी चलो बाहर चलते हैं अभी। अब मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछूंगा, बताओ हाँ से क्या होता है? हाँ से हुंडी, हार दो भूल जाओ, भूल जाओ कि हाँ से हुंडी होती है, हल से होता है हल, हल जो किसान का सच्चा साथी है, इसी साथी के बल पर धरती अपने सीने से सोना उगलती है। तुम बताओ पा से क्या होता है? पा से परनोट। जला दो, किसी परनोट पर कभी तुम लोग अंगूठा नहीं लगाओगे। पा से होता है पानी, पानी जो सिर्फ किसान का ही नहीं हर इंसान का जीवन है। काका तुम बताओ पा से क्या होता है? का से कालीचरण बेटा। ओफो, आप लोगों का जीवन इन तीन लफ्जों के चक्कर में ही कट रहा है, हुंडी परनोट कालीचरण। बैठो काका, अगर आप लोग चाहें तो आपके जीवन से कालीचरण का काला साया हमेशा के लिए हट सकता है। कैसे मधुर आवाज वाली कोयल भी तो हो सकती है। सुना आपने, ये होती है कोयल। आप लोगों ने कभी कोयल देखी? नहीं देखी ना? मैंने भी नहीं देखी। ऐसा करो आप लोग आगे का पाठ याद करो, मैं जरा कोयल लेके आ रहा हूं। हेलो हेलो। अरे रुको तो, लगता है बहुत नाराज हो, बहुत देर से इंतजार कर रही हो। तुम्हें क्या, इस गांव से तो शहर का कॉलेज अच्छा था, जब चाहा मिल तो लेते थे, जहां तो जब देखो साहब बहादुर खुद प्रोफेसर बनकर दूसरों को पढ़ा रहे हैं, कोई मरी या जिए परवाह तक नहीं। अरे लगता है वाकई बहुत नाराज। अच्छा ये बताओ मान जाने का क्या लोगी? तुम क्या दे सकते हो, मेरे लिए तुम ऐसे बादल हो, मैं एक दिन प्यासी मर जाऊंगी, लेकिन तुम मेरे प्यार के आंगन में कभी नहीं बढ़ सकते। अगर मैं बादल हूँ तो तुम बिजली हो। अच्छा ये बताओ जब तक बिजली चमकेगी नहीं तो बादल बरसेंगे कैसे? बोलो। बरसोगे तब बरसोगे, तब तक तो हम प्यासे मर जाएंगे। बादल कब बरसोगे, बिजली कब चमकोगी, जब चमकोगी तब चमकोगी, तब तक तो हम यूं ही जल जाएंगे। बादल कब बरसोगे, हर
पर बिजली कब चमकोगी। दिल है बेकरार कोयल तब गाओगी जब गाओगी तब गाओगी तब तक फूल भी नाटे बन जाएंगे बादल कब बरसोगे बिजली कब चमकोगी। जागूं सारी रात मैं तारों के साथ आँखों में कटती है सारी रात जागूं सारी रात मैं तारों के साथ। ओ निंदिया कब आओगी जब आओगी तब आओगी तब तक तो ये सपने खो जाएंगे तक तो हम यूं ही जल जाएंगे। बादल कब बरसोगे अरे बिजली कब चमकोगी। बादल कब बरसोगे बिजली कब चमकोगी। अमर भैया गजब हो गए। क्या हुआ? कालीचरण के गुंडों ने मंगलू के मकान पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। उसका पूरा सामान निकाल के बाहर फेंक दिया। उसके बीवी बच्चे घर के बाहर बैठे रो रहे हैं। उसकी ये मत। कालीचरण के गुंडों की गुंडागर्दी आज मैं हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। आओ मेरे साथ। हम रजीते जी हम अपना घर बर्बाद होते ना ही देख सकते हैं। रोको रे रोको। करना बहुत बुरी बात है। जो बात करनी है प्यार से करो शराफत से करो। शराफत
किसी गरीब बेबस मजबूर इंसान का धोखे से सब कुछ लूट लेना, उसे बेसहारा कर देना, क्या आप इसे शराफत कहते हैं? अमर, जवानी की जोश में मत भूलो, इलेक्शन में अभी 10 दिन बाकी है और उस वक्त तक हम इस गांव की पंचायत के मुखिया हैं। आप मुखिया हैं तो इसका ये मतलब तो नहीं कि आप गांव में अपनी मनमानी करते रहें? मनमानी? मंगलूरी अपना मकान और जमीन अपनी मर्जी से हमारे वाले किया है, उसका प्रलोट हमारे पास है, अंगूठे या निशान दिए हैं, हम उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे, कानून अपना हक वसूल कर रहे हैं। अंग्रेजी में कानून ने जो हक आपको दिया है उसका सबूत है आपके पास? क्या कहते हैं अंग्रेजी में, डू यू हैव एन अटैचमेंट ऑर्डर? एक तो इतनी मुश्किल बात कर रहे हैं अंग्रेजी में, ऊपर से धमकी देते हो। कोई बात नहीं, हम अपने बरेली वाले मंत्री को एक्स वाई जेड कहते हैं। अबे जा जा, तुझे जो करना कर ले अंग्रेजी में। चलो मगर बात, चलो भाई मदद करो। हेलो हेलो हेलो, अरे कहां भर गए? हेलो, हाँ मैं काली भवन से बोल रहा हूँ, बरेली मंत्री जी को लगाओ जल्दी। क्या समझ रखा अमर के बच्चे ने अपने आप को, मैं उसे बर्बाद कर दूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। माँ जी, माँ जी, अमर कहाँ है? क्या है बेटी, इतनी घबराई हुई क्यों है? आप बताइए ना कहाँ है वो? वो तो बद्री के खेत पर ट्रैक्टर चलाने गया है। सुन तो बेटी, रास्ते से हटाने के लिए बहुत बड़ी साजिश कर रहे हैं, कहीं कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो। अरे अरे पगली कहेंगे, जरा सी बात पर आंखों में आंसू आ गए। घबराओ मत, मुझे कुछ नहीं होगा। अच्छा तो आप अमर महाशय फिल्मी हीरो ही बन गए? क्या कहते हैं कालीचरण जी, बेचारे ने आपकी बेटी की जान बचाई, उस पर भी आप उसी को बुरा भला कह रहे हैं? जरा सोचिए, अगर अमर वक्त पर न पहुंचता तो। अजी पहुंचता कैसे नहीं, मैं इन चालों को खूब समझता हूँ। पहले तो जानबूझकर अपने बैल को धतूरा खिला दिया, फिर उसे मेरी बेटी के पीछे भगा दिया, और फिर दुनिया को दिखाने के लिए खुद ही बैल से टक्कर भी ले ली, ताकि हीरोइन के दिल में हीरो की बहादुरी का सिक्का जम जाए। अजी ये सब झटके मैं फिल्म बहुरानी भी देख चुका हूँ, लेकिन उस फिल्म के हीरो हीरोइन की तरह
मैं इन दोनों को ड्यूटी गाने दूंगा। गाने का नहीं मालिक, रोने का वक्त आ गया है। क्या मतलब? इस बार पंचायत की इलेक्शन में आपके मुकाबले में अमर बाबू खड़े हो रहे हैं। अमर बाबू, अमर बाबू को होए जाओ, 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 अमर बाबू को होए जाओ। हाथी के निशान को वोट देना। अच्छा मालिक। बंसी जी, तेरे घर की सारी वोट मालिक को मिली जाएगी। नहीं नहीं दूंगा तो और किसे दूंगा। अमर, अमर कुछ सुना तुमने? क्या? कालीचरण ने शहर से एक नाचने वाली को बुलाया है गांव के भोले भाले लोगों को फुसलाने के लिए, और आज रात नाच गाने का प्रोग्राम भी है। आज रात को? हाँ ठीक है, हम भी चलेंगे। तुम्हें बुलाया था दुश्मन की सभा का सत्यानाश करने के लिए, तुमने तो हमारा ही सत्यानाश कर दिया। वो कैसे सेठ जी? अरे जन्म में गए सेठ जी, तुमने तो कोई ऐसा जादू किया है कि ये काली चरण हमेशा के लिए तुम्हारे चरणों का दास हो गया है मेरी जान। देखो गांव के सरपंच को, बुढ़ापे में जवानी चढ़ी है, दिन में जोगी रात में भोगी। किसकी शरारत है ये? कौवे की चोंच में अंगूर, पहलू अहूर में लंगूर। ये हंसी तुम्हें बहुत दंगी पड़ेगी, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो आग तुमने मेरे सीने में लगाई है वो तुम्हारे खून से बुझेगी। इस गांव की पंचायत के इलेक्शन में सेठ कालीचरण अमर बाबू के मुकाबले में 5,000 वोटों से हार गए हैं। अरे मैं हार गया तो क्या हुआ, पंचायत की कुर्सी कांटों की कुर्सी है, जब बैठेगा तो पता चलेगा अंग्रेजी में, 2 ही दिन में भाग जाएगा। मेरा भागने का वक्त आ भी गया। हम तुम जीत गए, दुश्मन हार गए। हम तुम जीत गए, दुश्मन हार गए। खुल मैदान में हम बाजी मार गए। जीत गए दुश्मन हार गए, हम तुम जीत गए दुश्मन हार गए। खुले मैदान में हम बाजी मार गए। घुंघरू बाज उठे नाच उठे झूम के हम जननननन। हम तुम जीत गए दुश्मन हार गए, हम तुम जीत गए दुश्मन हार गए। दौलत नहीं काम आई, चाहत ने जीती लड़ाई। दौलत नहीं काम आई, चाहत ने जीती लड़ाई। झुका हमने सहे लाख सितम। हम तुम जीत गए दुश्मन हार गए, हम तुम जीत गए दुश्मन हार गए। हम तुम जीत
कर, प्यार में तकरार न कर, आज तू इनकार न कर। हो है तेरी कसम, हम तुम जीत गए, दुश्मन हार गए, हम तुम जीत गए, दुश्मन हार गए, हम तुम जीत गए, दुश्मन हार गए। आप तो यूं ही जरा सी बात के लिए परेशान हो रहे हैं, आप हुक्म दीजिए, मैं उस कमबख्त अमर के बच्चे की धज्जियां उड़ा दूंगा। अरे गोपी, खाल में रहो खाल में, याद है उस दिन बद्री की वसूली पर गलती से तेरे हाथ से लाठी चल गई थी और उसका खून देखकर तू खुद ही बेहोश हो गया। अरे उल्टा वही तुझे अस्पताल ले गए। गोपी, इस काम के लिए कलेजा चाहिए अंग्रेजी में, दिल मजबूत और खून में जोश चाहिए। और तू, अरे तेरे जिस्म में तो ऊपर से नीचे तक थर्रे की बोतलें दौड़ रही हैं। आप भी तो बस एक मिनट में दूसरे का पानी उतार देते हैं। पानी सबसे ऊंचा ना हो जाए इसलिए बरेली वाले मंत्री को कहकर अमर को ठिकाने लगाने के लिए मैंने एक खास हस्ती को बुलाया अंग्रेजी में। जरा मैं भी तो सुनूं वो कौन सा 30 मार खाना। उसके बारे में पूछ रहे हो? एक नंबर का खूनी है अंग्रेजी में, देश से विदेश तक उसकी मार्केट है। बरेली वाले मंत्री कह रहे थे इस सफाई से अपना काम करता है, निशान तक नहीं छोड़ता। अरे कई बार अपने मंत्री महोदय के काम आ चुका है। सच पूछो तो मंत्री महोदय की कुर्सी के चारों पाए उसी की हथेली पर टिके हुए हैं। तब तो ऐसी महान हस्ती के दर्शन जरूर करने चाहिए। आपकी इच्छा हम अभी पूरी किए देते हैं। श्रीमान कालीचरण जी कौन है? अरे आप बताइए कि आप कौन है? आप हमारा परिचय जानना चाहते हैं तो सुनिए। आज से कुछ वर्ष पहले विदेश में हम बॉस्टन स्ट्रैंगलर के नाम से मशहूर थे, उसके बाद भारत के बॉम्बे नगरी में रामन राघव के नाम से, उसके बाद हम ब्लैक कैट भी थे, लेकिन आज हम आपके सामने राम शास्त्री के रूप में खड़े हैं। हम बरेली से आए हैं। आप बरेली से? आपको हमारा रूप देखकर हैरान नहीं होना चाहिए महाशय। देखिए, हम किसी फिल्मी विलन की तरह मूछें बढ़ाकर, दांत किटकिटाकर, भवे चढ़ाकर, हाथ में तेज धार का चाकू लिए किसी परवाह नहीं करते। जो पेशे का अकलमंद खूनी होता है वो हमेशा अपने दिमाग से काम करता है, ऐसी गलती नहीं करता। देखिए माशे, आज जमाना चांद की तरफ पहुंच चुका है, लेकिन हमारे पेशे के, हमारी बिरादरी के लोग उसी पुराने धर्रे में अटके हुए हैं, और यही वजह है कि आज इस पेशे में कोई काम के लोग नहीं बचे। जो बचे हैं सो क्या बचे, बस हम ही हम हैं। अरे तो आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। हम कभी नहीं बैठते, लेकिन अगर आप कहते हैं हम तब भी नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमारे पास बैठने की फुर्सत नहीं है। वो तो आपका खत मिलते ही फौरन दोस्त की दोस्ती निभाने के लिए चले आए। वैसे आपस की बात है, 3 महीने पहले एक केस की पेशगी ले चुका हूं, परसों आगरा पहुंचना है, उसके बाद कानपुर, फिर दिल्ली, फिर लखनऊ। साहब डेट की बहुत मारामारी है, सोचा बीच में आपका काम क्विकी की तरह पटाते हुए चले चलते चलते आपका काम तमाम कर दूं। मेरा काम है? मेरा मतलब जिस काम के लिए आपने मुझे बुलाया था।
अच्छा अच्छा अच्छा, सुना है कि आपके खून करने का ढंग बिल्कुल निराला है, जरा बताएंगे कि ये सब आप कैसे करते हैं? आप ही बताते हैं। इधर आओ। हाँ इधर आओ, डरो मत, इधर आओ। खून करना भी एक कला है, और जिस गुरु ने हमें ये कला सिखाई थी, उस गुरु का कहना था कि बालक बिना दक्षिणा लिए कभी किसी का खून मत करना। करीब आओ, अगर तुम मरना भी चाहोगे हम तुम्हें नहीं मारेंगे, और करीब आओ। तो क्या ये गया अंग्रेजी में? डरे मत, पूरी तरह नहीं गया। इस तरह गर्दन पे कपड़ा लपेटने से इसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, ना इसे तकलीफ होगी ना हमें तकलीफ होगी। दरअसल कालीचरण जी, सदियों पहले इस कला का जन्म हमारे ही देश में हुआ था, लेकिन यहां किसी ने इसकी कदर नहीं जानी। भारत से चीन, चीन से जापान, जापान से यूरोप घूमती हुई ये कला फिर अपने देश में वापस आ गई है। हम तो कहते हैं महोदय, अगर इस कला का सही तरीके से प्रचार किया जाए तो हमारे देश में फैमिली प्लानिंग की आवश्यकता कभी नहीं होगी। कहिए कैसा लगा? 10 बोतलों का नशा एक साथ हो गया था, मैं तो लोक परलोक घुमाया। मालिक ये तो बड़ा कारीगर आदमी मालूम होता है। धन्य हो। यह तो नमूना था बालक, असली कारीगरी तो तुम तब देखोगे जब असली शिकार हमारे सामने होगा। कितने बजे का शुभ मुहूर्त है? खबर मिली है कि दुश्मन रात को 9 बजे की गाड़ी से बाहर जा रहा है। इतनी रात गए कहाँ जा रहे हो अमर बेटा? लाखन चाचा, पंचायती काम से शहर जा रहा हूँ। संभल कर जाना बेटा, अंधेरा बहुत है और गांव को तुम्हारी रोशनी की बहुत जरूरत है। मुझे कुछ नहीं होगा, मैं चला। इसकी मुक्ति आपने तो मेरा कल्याण कर दिया। समझ नहीं आता किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं। बागीचे में गड़ा खोद रखा है, गए तो जाकर दबा। नहीं नहीं, पहले इसे गेस्ट हाउस ले चलो, अभी इस कर्म का धर्म बाकी है। अब इस लाश को कहीं दबाने की कोई आवश्यकता नहीं, ये यहाँ से खुद बखुद गायब हो जाएगी। क्या कहा? हम अभी शमशान जाते हैं, वहां जाकर भूत प्रेत से बात करेंगे। आखिर उनकी हमारी दोस्ती किस दिन काम आएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, हमारे वापस आए तक यहाँ से हिलेगा मत, और एक पल के लिए भी पलक मत झपकाइएगा। हम अभी गए और अभी आए। धन्य हो गोपी। सुना तुमने? सुन लिया। बैठ जाओ, बैठ जाओ। बैठ गया मालिक। सोना नहीं, जागते रहना अंग्रेजी में। अभी उल्लू भी तक सो रहा है। शास्त्री ने कहा था ना कि पलक मत झपकना, लेकिन शास्त्री तो लौटे नहीं। अगर किसी ने मेरी लाश साथ देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। मालिक, वो बगीचे में गड्ढा खोद के रखा है ना, उसमें दबा दे लाश को। अंग्रेजी में चलो 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 राम 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 सत्य है, राम राम सत्य है।
किस महाराज का पैलेस है ये? किसी महाराज का नहीं, स्वर्गलोक का द्वार है। दरवाजा है जन्नत यार, धरती पर रहकर बड़ी कल्पना की थी कभी स्वर्ग के दर्शन होंगे। क्या किस्मत है अपनी। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, स्वर्ग के कुछ ही दिन के मेहमान हो तुम, उसके बाद अगले जन्म की बारी तक नर्क में ही रहना पड़ेगा तुम्हें। तो फिर गुरु एक काम करो, पहले मुझे नर्क में ही ले चलो, नर्क वर्क का ड्रामा खत्म करके फिर आराम से स्वर्ग में ऐश करेंगे। यह नामुमकिन है, तुम्हारे पाप ज्यादा है और पुण्य कम, इसलिए यहाँ के कानून के मुताबिक तुम पहले स्वर्ग में जाओगे फिर नर्क में आओगे। तो फिर एक काम करो, क्या तुम मेरी खातिर यहाँ के कानून बदल नहीं सकते? बकवास बंद करो और अंदर जाओ। ए, तुम तो बिल्कुल बम्बई के ट्रैफिक हवालदार की तरह कड़क हो। ए, ए, नमस्ते जी, हम आपका स्वर्ग लोक के द्वार पर स्वागत करते हैं। यहाँ के राजा धीराज हैं राजा इंद्र। आपकी जानकारी के लिए इंद्र सभा का समय है आज ही रात के चांद के बाद। उसके पहले अगर आप चाहें तो गीत संगीत की महफिल में शामिल हो सकते हैं। स्वर्ग लोक के बारे में अगर आप कुछ और जानना चाहें तो हम आपकी सेवा में हैं। धन्यवाद। कहते हैं रंबा संबा। आओ मेन का चा चा चा, ये है चा 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 चा। आओ मेन का चा चा चा, ये है चा 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 चा। जिसका जी चाहे वो झूमे नाचे सुबह शाम,
घुंघरू की जरूरत है ना, पायल का है काम। शर्माती हो? Come on, सुनो उर्वशी, मत शर्माओ री, युग बीते पर तुमने अब तक ये घूंघट ना खोला। शबनम में क्या रखा है री, तुम बन जाओ शोला। आग लगा कर इस दिल में, इस दिल की प्यास बुझाओ। ये पुराना नाच गाना भूल जाओ। जी तुम अमर, अमर होकर भी ये मत भूलो कि तुम यहाँ मर कर आए हो। जब आ ही गए हो तो ये भी समझ लो कि हमारी बराबरी करने की कोशिश मत करना। इनके साथ नाचने और गाने का अधिकार सिर्फ हमको ही है। क्यों, यहाँ आकर भी आप लोगों ने ऊंच नीच का चक्कर चला दिया है ना? मैं मान गए पंडित जी आपको, किसी ने सच कहा है, चोर चोरी से जा सकता है मगर हेरा फेरी से नहीं। तुम हमको चोर कह रहे हो? हमको जिन्होंने सारे वेद पुराण पानी की तरह घोल कर पी लिए। यहाँ आकर गाना बजाना देखने के लिए, जगह जगह ईश्वर की उपासना के लिए हमने मंदिर बनवाए। और कमीशन कितनी खाई, नाम भगवान का लिया और चढ़ावे का माल पीछे के दरवाजे से खुद हड़प करते रहे। सर हम इसके मुंह नहीं लगते, हम महाराज इंद्र से इसकी शिकायत करेंगे। शिकायत करो, मैं डरता थोड़ी हूँ। जा चलो भाई चलो। अरे जाए दे, क्या हाल होता है तुम्हारा? मेनका, रंभा, उर्वशी, काफी चर्चा सुनी थी आपकी धरती पर। सुना अपने अपने काम में आप तीनों काफी एक्सपर्ट हैं। तुम भी काफी तेज हो, दो ही लफ्जों में पंडित जी को तारे दिखा दिए। अजी आपके सामने मेरी क्या हस्ती है, ये तो एक मामूली सा पंडित था। आपने तो इतने बड़े ऋषि मुनि विश्वामित्र जी को एक ऐसा झटका दिया था कि धरती के लोग आपको आज तक नहीं भूले। आप अपनी बेटी शकुंतला का ड्रामा वहां छोड़ाइए ना। हाँ वही शकुंतला, हर साल उस पर पिक्चर बनती है और हिट होती है। मेनका, ये तुम्हारी बेटी शकुंतला कौन है? इनसे क्या पूछती हैं? मैं बताता हूँ। तुम काफी लंबे सफर से आए हो, मेरे मेहमान हो, चलो मेरे घर। धरती हो या स्वर्ग, भाई साथ तो किसी ना किसी का होना ही चाहिए, और फिर जब फ्री बोर्डिंग और लॉजिंग हो तो इनकार की गुंजाइश नहीं रहती। आइए चलो टाटा। चलो चलो भाई चलो। शुरू किया जाए। क्षमा कीजिए महाराज, मैं इनका सभा में नहीं है। क्यों? उनके यहाँ कोई मेहमान आए हैं। कितने लापरवाही कि अपने मेहमान के खातिर वे इंदर की सभा भूल गई, हमें भूल गई। फौरन जाओ उसे हमारे सामने उपस्थित करो। आज वो भारत धरती के सीने पर एक नगीने की तरह चमक रहा। बस उस देश का एक ही प्रॉब्लम है, वहाँ की आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यहाँ का ट्रैफिक कैसा है? यहाँ तो लोग कम ही आते हैं। हाँ नरक में बहुत भीड़ है। पाप बढ़ेंगे तो पापी कैसे कम हो सकते हैं? मेनका जी, महाराज इंद्र ने आपको फौरन याद किया, सभा में आपका इंतजार हो रहा है। अरे गजब हो गया, तुम्हारी बातों में आज मैं पहली बार सभा जाना भूल गई। यहाँ के लोग भी डरते हैं, मैंने तो समझा था कि डर वह सिर्फ नीचे की दुनिया में है। एक दिन सभा नहीं जाओगी तो क्या हो जाएगा? अंधेर हो जाएगा। क्या किसी मेहमान की खातिर एक दिन की छुट्टी भी नहीं मिल सकती तुम्हें? एक पल की भी नहीं। ये तो जुल्म है, सरासर जुल्म है। ऐसी भी क्या बंदिश, ऐसी मजबूरी की जिंदगी से तो मौत ही कहीं अच्छी है। वो भी हमारे नसीब में कहो। जब मरना ही नहीं तो फिर डरना क्या? चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं नहीं, अगर वो बिगड़ गए तो मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, मैं उनका नौकर थोड़ी हूँ। मैं तो एक टूरिस्ट हूँ, आज आया हूँ कल चला जाऊंगा। लेकिन जाने से पहले जरा यहाँ के हिटलर से दो बातें हो ही जाए तो अच्छा। चलो मेनका,
आने में देर क्यों हुई? क्षमा कीजिए महाराज, घर में ये मेहमान आ गए थे। इसमें ऐसे कौन से पर लगे हुए हैं जिसके वजह से तुम हमें भूल गई, हमारी सभा भूल गई? मिस्टर देवेंद्र, इज्जत दो और इज्जत लो। मुझे नहीं मालूम था तुम्हारे यहाँ मेहमानों के साथ ऐसा सलूक किया जाता। खामोश बदतमीज, तुम्हें इजाब अपनी संभालिए, कुर्सी पर बैठे हो इसलिए बोली भी बदल गई। मैं पूछता हूँ इसे अंदर किसने आने दिया? तुम्हारे ही चमचों ने दरवाजा खोला था मेरे लिए। अपना पासपोर्ट और वीजा सब चेक कर चुके हैं वो। तुम्हारे जरा कोई चोर नहीं जो किसी की दीवार फांद कर दूसरे के घर में घुस जाए। महाराजा विराज की जय हो। स्वर्ग में रहने की इसकी मुद्दत खत्म हो गई है, हम इसे ले जाने के लिए आए हैं। ले जाओ, जल्दी ले जाओ इसे। अच्छा मिस्टर देवेंद्र, चलते हैं। अगर आप अपना चक्कर ऐसे ही चलाते रहे तो आपकी कुर्सी पक्की है। क्यों बंधु, अपने यमराज का मुर्गे सर। यमुना यमराज का दरबार है और हमारा हर फैसला अटल है। चित्रगुप्त। जी महाराज। नेक्स्ट नेक्स्ट, दूसरा पापी पेश किया जाए। ए, तुम कारखाने में आ जाओ। इसके पाप बयान किए जाए। जी महाराज। इसका नाम है धनंजय और बाप का नाम है मुरारी। वैसे तो इसका बाप धरती का बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन बेटे की छोटी छोटी करतूतों का लिस्ट बहुत लंबी है। इसने अपने बाप की पोजीशन का फायदा उठाकर छोटी अबला लड़कियों की इज्जत लूटी है। इसने सारा जीवन अपने देश का पैसा लूट लूट कर पराए देश की बैंक में डिपॉजिट किया है। ब्लैक मार्केटिंग, स्मगलिंग, हेराफेरी, गांजा, चरस और तो और महाराज, इलेक्शन के दरमियान इस आदमी ने नकली शाइल सप्लाई करने की एजेंसी खोल रखी थी। ले जाओ इस पापी को, इसे आग की भट्टी में डाल दो। ठहरिए महाराज। कौन है गुस्ताख? ये भी एक पापी है महाराज। हाँ पापी हूँ, तभी तो आप जैसी महान हस्ती के दर्शन हो गए। और आप लोगों को देखकर बड़ा दुख हुआ और आपके इंसाफ पर तो रोने को जी चाहता। समुंदा, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन बात के बिना रह नहीं सकता। अभी अभी आपने इस निर्दोष को आग की भट्टी में डालने का हुक्म दिया। इस नाइंसाफी से आपके इंसाफ पर आज भी आ सकती है। तुम कहना क्या चाहते हो? यही महाराज कि मुजरिम अभी माइनर है, मेरा मतलब है कि नाबालिग है। इसने जो कुछ भी किया है बचपने में किया है। अब आप ही बताइए, जिस बच्चे के बाप को पॉलिटिक्स से फुर्सत ना मिलती हो, जिसकी माँ को किटी पार्टी से छुट्टी ना मिलती हो, उसकी तो अपने आप छुट्टी होगी ना। और फिर जब माँ बाप बच्चे की करतूतों का खुद फायदा उठाना चाह रहे हो, वो सुधरेगा नहीं, बिगड़ेगा ही। इंसाफ की नजर में इसके सारे गुनाहों की जड़ इसके माँ बाप की लापरवाही है। सजा इसे नहीं इसके माँ बाप को मिलनी चाहिए। चित्रगुप्त, कहाँ है इसके माँ बाप, पेश किए जाए। असंभव है महाराज, क्योंकि अपने टाइम टेबल के अनुसार इसके बाप को अभी तक गोली नहीं लगी और उसकी माँ ने आखिरी बिस्किट नहीं खाया। ठीक है, उनके आने के बाद ही उस मुकदमे का फैसला होगा। दूसरा पापी, पापी नंबर 10,15,75,302 हाजिर हो। क्या पाप है इसका चित्रगुप्त? इसकी भोली भाली सूरत पे मत जाइए महाराज, ये अभी आपके सामने आंखें नीची करके खड़ा है, लेकिन उसने धरती पे समाज की आंखों में धूल झोंक कर भोली भाली मासूम लड़कियों को, बड़ी बड़ी सीटियों को 5-स्टार होटल में सप्लाई किया है। इसका पाप बर्दाश्त से पार है, इसे इसी वक्त गरम गरम डालडा की कढ़ाई में डाल दिया जाए। महाराज आजकल डालडा का मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। तो फिर इसकी बोटी बोटी काट कर चील और कौओं को खिला दी जाए। ले जाओ इसे। जरा ठहरिए महाराज, तुम फिर बोले, जानते हो इस वक्त किसके सामने खड़े हो? क्या पाप है इसका? अनगिनत पाप है महाराज, लेकिन इसका एक खास पाप आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। इस पापी ने कुछ दिन पहले एक बाल विधवा की अपने हाथों से शादी करवा दी महाराज। बाल विधवा की शादी घोर अन्याय, इसे लटका दो और आग में भून डालो। गुस्ताखी माफ महाराज, सजा सुनाने से पहले मुझे अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका दिया जाए। वन चांस। महाराज का हर फैसला अटल है, कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, नहीं। क्या भाई यहाँ कोई इमरजेंसी है? महाराज, एक मासूम लड़की जो अभी तक गुड़ियों के साथ खेलती हो, उसे जबरदस्ती किसी के पल्ले बांध दिया जाए, ये कहां का न्याय? और ये भी कहां का न्याय है, वो मासूम लड़की जवान होने से पहले विधवा हो जाए, अपने अरमानों की आग में जलती रहे।
ऐसी अबला को अगर मैंने खुशी के कुछ पल दिला दिए तो आप इसे अन्याय कहेंगे? चमुंडा, मानता हूँ मानता हूँ, बाल विधवा की शादी आपके धर्मशास्त्र के विरुद्ध है, मगर ये भी कहाँ का धर्म है? एक औरत शादी से पहले माँ बन गई और आपने उसे महापतिव्रता का प्रमाण पत्र दे दिया। चमुंडा, ये झूठ है, हमने कभी कोई गलत काम नहीं किया। हाँ, गलती तो बेचारी रानी कुंती की थी, करण को जन्म देने के बाद चुपचाप उसकी शादी राजा पांडु से करा दी थी। लोगों ने तो यहाँ तक सुना है धर्मराज के जन्म में आप भी कारण है। इस मनुष्य ने हमें धन संकट में डाल दिया है, हमें चक्कर आने लगे हैं, हमारी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं। चित्रगुप्त, इस मुकदमे का फैसला भी हम बाद में करेंगे। महाराज, अगर आप हर मुकदमे को इसी तरह टालते रहे तो फिर करोड़ों मुकदमों का फैसला कैसे होगा, कब होगा? ये देखना तुम्हारा काम नहीं, हमारा काम है। किसी के साथ ना इंसाफी हो हम ये नहीं देख सकते, इसलिए आज की अदालत कल के लिए मुलतवी की जाती है। कबुंडा, जय महाराज यमराज की जय। सुंदरी, कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला। पर बिटिया, तुमने अमर की चिंता में अपनी क्यों ऐसी हालत बना रखी है? इधर तुम परेशान हो, उधर उसकी माँ रो रो के परेशान है। कहाँ चला गया मेरे बेटे, कहाँ चला गया? ना कोई चिट्ठी ना कोई खबर, आज तक कभी ऐसा नहीं किया उसने। धीरज रखिए माँ जी। कहाँ तक धीरज रखूं बेटे, मेरी तो जान आंखों में अटकी हुई है। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो? नहीं नहीं माँ जी, ऐसी बदशकुनी की बात मत कीजिए। अमर जैसे सच्चे इंसान का कोई नहीं निकाल सकता। मुझे लगता है इसमें कालीचरण की कोई शरारत है, हमें फौरन पुलिस में खबर दे देनी चाहिए। हाँ चलो भाई चलो। हाँ चलो, हाँ, चलो, चलो। ये अन्याय है, अत्याचार है। माना कि हम लोग में इंसान अपने किए की सजा पाने आता, मगर कम से कम सजा तो बारी बारी दो, ये एक और तुम तीन। यहाँ पापियों को सारी सजाएं साथ देने के बाद भी हमें सांस लेने की फुर्सत नहीं। अगर बारी के चक्कर में पड़ गए तो साल साल भर भी हम अपने बीवी बच्चों को नहीं रख पाएंगे, समझे? क्यों, यहाँ शिफ्ट सिस्टम नहीं है क्या? मेरा मतलब है सुबह की शिफ्ट अलग, दोपहर की अलग, रात की अलग। ये शिफ्ट कौन सा नया पाप है भाई, पहली बार इसका नाम सुना है। ओ, इसका मतलब है आप लोग ओवर टाइम के बारे में भी कुछ नहीं जानते। अब समझा, यहाँ के कर्ता धर्ता आपकी मासूमियत का नाजायज फायदा उठा रहे हैं और आप लोग खामोश हैं। कब से ये जुल्म सह रहे हैं आप लोग? हम लोग त्रेता युग से यहाँ मौजूद हैं। इतने युग बीत गए, धरती पर पाप बढ़ते रहे, यहाँ पापी बढ़ते रहे, और इन हजारों लाखों करोड़ों पापियों को सजा देने के लिए सिर्फ आप चंद मुट्ठी भर लोग, ये नाइंसाफी है। हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। कॉमरेड्स, भाइयों, दोस्तों, नजदीकों, आज से हमारी आवाज एक होगी, मांग एक होगी, तभी हम सदियों से आप लोगों के पांव में पड़ी हुई गुलामी की जंजीरों को तोड़ सकेंगे। हम लोग आज इसी वक्त यहाँ एक यूनियन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मुझे लगता है पापियों को सजा देने के लिए ये कोई नए किस्म का हथियार बनाना चाहता है जिसका नाम होगा यूनियन। भाई साहब, आपकी यूनियन की धार क्या इससे भी ज्यादा तेज होगी? यूनियन जैसा हथियार अगर आप लोगों के पास होगा तो आप तानाशाही को जड़ से काट सकेंगे। आज तो कोई 5 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेगा, इसका नाम है शिफ्ट। ज्यादा काम करने पर काम की ज्यादा कीमत मांगिए, यह है ओवर टाइम। और हमारी एकता का नाम होगा यम लोग मजदूर यूनियन। कहिए, आप लोगों को यूनियन चाहिए? तो बोलिए यम लोग मजदूर यूनियन। अरे अरे बोली ना, जिंदाबाद यम लोग मजदूर यूनियन, जिंदाबाद। हाँ कॉमरेड, आप लोगों को जोश देखकर मेरी भी हिम्मत बढ़ गई और हमारी भी आंखें खुल गई हैं। आज से तुम जो कहोगे हम वही करेंगे। थैंक यू। तो फिर आपका ये नेता आप पर त्रेता युग से किए गए अत्याचारों का हिसाब और इंसाफ हासिल करके ही रहेगा। कहिए आपका नेता अमर।
अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम सत्याग्रह करेंगे, नहीं मानेंगे तो हम हड़ताल करेंगे, फिर भी नहीं मानेंगे तो हम घेराव करेंगे। धरती पर हम ये सब तीर आजमा चुके हैं और कामयाब भी रहे हैं, यहां भी हमारा हक हमें मिलना ही चाहिए। कहिए इनकलाब जिंदाबाद, हम लोग मजदूर यूनियन। बंद है आज से, ये कह दो यमराज से काम बंद है आज से, ये कह दो यमराज से काम बंद है आज से। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही मुर्दाबाद। चलेंगे मंत्र यहाँ, अब होगा गणतंत्र यहाँ, वोट जिसे देंगे सारे राज करेगा वो प्यारे, नरक न ये कहलाएगा स्वर्ग यहाँ बन जाएगा। यमदूतों के अपने हो जियो पापे, कैसा शोर है? ये शोर नहीं महाराज, ये जोर है, हमारे मजदूरों का जोर। वो देखिए इनकलाब बेगारी। धर्म रक्षक हूँ, नरक लोक शासक हूँ, यमराज हूँ, स्वतंत्र भारत का नागरिक हूँ, क्रांति वीर हूँ, तानाशाही के लिए तलवार हूँ, यम लोग मजदूरों का सरदार हूँ, चतुर्मुख प्रसादित समस्त लोगों का राजा धीराज हूँ, मृत्युंजय हूँ, देवगण पूजित दिक्पाल हूँ, त्रिलोक उद्धार। महाराज 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 आइए बैठिए।
महाराज, महाराज, महाराज ये लीजिए। क्या है? धरती पर इसे विष की गोली कहते हैं, गले और खांसी के लिए बहुत अच्छी है। हाँ, चबाइए मत, जबान पर रखकर चूसिए। फर्क महसूस हुआ? खांसी तो कम है लेकिन जरा थकावट महसूस हो रही है। थकावट कैसे नहीं होगी, दिन रात आप पाप और पापियों से उलझे रहते हैं, अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। मैं पूछ सकता हूँ ये क्या वस्तु है? मैं पूछ सकता हूँ आपको क्या तकलीफ है? जी मुझे भी कभी कभी यमराज की तरह खांसी हो जाती है। जो चीज कभी कभी हो वो सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। चुपचाप जाकर अपनी जगह खड़े हो जाओ। मुझे यमराज को ये बताना है कि आखिर हम सबको इनके खिलाफ ऊंची आवाज उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? ये जरूरत क्या बला है? महाराज अपने धर्म पुस्तक के चौथे सफे की तीसरी लाइन का पहला शब्द है जरूरत, और जरूरत बड़ा भयानक शब्द है। पृथ्वी पर जितने पाप होते हैं उनकी जड़ है जरूरत। लेकिन जरा इनसे पूछिए, जब इन्हें यहाँ आना ही था तो अपने साथ जरूरत को लाने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी नहीं गुप्ता जी, जरूरत है। यू प्लीज कीप क्वाइट। महाराज आपके बारे में हमने बहुत कुछ सुन रखा है। धरती पर आपका नाम सुनते ही लोगों के दिल धड़कने लगते हैं। हर जगह हर देश में आपके नाम के चर्चे हैं। कभी मौका मिला और आपने धरती पर आकर इलेक्शन लड़ा, बिना मुकाबले के जीत जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि कैबिनेट मिनिस्टर, क्या कैबिनेट मिनिस्टर, लोग फट से आपको प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी ऑफर कर देंगे। जामुन्ना तुम खड़े क्यों हो बालक, बैठ जाओ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। महाराज अपने धर्म पुस्तक के 40वें सफे की 12वीं लाइन का तीसरा शब्द है खुशामत। यही कहना चाहते हो ना? सुना महाराज, आपका ये चमचा कहना चाहता है कि आपको खुशामत पसंद है। छी 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 छी, भला आप और खुशामत पसंद करेंगे? कभी नहीं। कमुंडा महाराज क्या मैं पूछ सकता हूँ ये ग्रंथ कितना पुराना है? करोड़ों साल हो गए। और करोड़ों सालों से इस ग्रंथ का एक लफ्ज भी गुप्ता जी के मिजाज की तरह नहीं बदला। क्यों? और ये बदल भी नहीं सकता। लेकिन अब बदलना चाहिए आपको, क्योंकि समय बदलता जा रहा है। आजादी के बाद 30 वर्षों में हम 40 बार कॉन्स्टिट्यूशन बदल चुके हैं। यहाँ भी तो कुछ हेरा फेरी होनी चाहिए। तो तुम क्या यहाँ हेरा फेरी करने आए हो? आपको होशियार करने आया हूँ। धरती के लोग चांद सितारों की दुनिया तक जा पहुंचे हैं, कोई पता नहीं कब किसी वक्त कोई सर फिर यहाँ भी टपक पड़े, फिर यहाँ भी इलेक्शन होंगे और जो जीतेगा वही नेता बनेगा। कोई अजब नहीं वो लोग यहाँ इलेक्शन कराकर आपकी कुर्सी का तख्ता उलट दें। एक बार तख्ता तख्ता हो गया तो आप पर भी इंक्वायरी कमीशन बिठा दिया जाए। करोड़ों सालों से इस धर्म पुस्तक के अनुसार जो अधर्म आप करते रहे हैं उसका हिसाब मांगा जाएगा। नतीजा साफ है, आप हिसाब दे नहीं सकेंगे। क्यों नहीं? हमारा चित्रगुप्त हर पल का हिसाब रखता है। इसके भरोसे मत रहिए महाराज, सबसे पहले यही आपको अंगूठा दिखाएगा। इंक्वायरी कमीशन में आपके खिलाफ गवाही देने वाला ये पहला गवाह होगा। इसके कहने पे मत जाइए महाराज, ये हमारा दोस्त नहीं दुश्मन है। और जो दोस्त है वो दोस्ती का गला घोंट रहा है। जरा सोचिए महाराज, करोड़ों सालों से बाकी सब देवता ऐश कर रहे हैं। इंद्र को देखिए, दिन रात नाच गाना रंग रलियों में मत, और कुबेर उसे तो ब्लैक मनी इकट्ठा करने से फुर्सत ही नहीं मिलती। बाकी देवता तो पार्ट टाइम जॉब वाले हैं, जैसे आग और बारिश का दिन। एक आप है जो दिन रात पाप और पापियों के काले कारनामों का फैसला करते करते आपका अपना रंग भी काला हो गया है। आपका पोर्टफोलियो बेगारी का है महाराज। महाराज सिर्फ यही बात सही कही है इसने, हमारे धर्म पुस्तक के 40वें सफे में। चला दीजिए ऐसी धर्म पुस्तक को जिसमें आपके नाम की एक दिन की छुट्टी भी नहीं लिखी हुई, जैसे कैजुअल लीव। आखिर आप भी तो किसी से कम नहीं, आपको भी दूसरों की तरह घूमने फिरने का हक है, ऐश करने का हक है। जरूर हमें भी हक है। हक तो है महाराज, लेकिन इस बारे में आपको अपने चीफ ब्रह्मा जी से बातचीत कर लेनी चाहिए। तुम अपनी इस लंगड़ी सलाह को रहने दो। महाराज आप मुझे अपना सेक्रेटरी बना लीजिए, फिर देखिए क्या नहीं होता। आखिर होगा क्या, और होगा भी तो कैसे। लगा दीजिए हम लोग को ताला, कर दीजिए लॉकआउट। जरा कश्मीर जाइए, स्विट्जरलैंड जाइए, बाहर की बहारों का नजारा कीजिए। आप यहाँ नहीं होंगे तो तीनों लोगों में तहलका मच जाएगा, वो खुद ब खुद भागे भागे आपके कदमों पे गिर पड़ेंगे,
उस वक्त आप अपनी टर्म्स डिक्टेट कीजिए। झक मारकर उन्हें आपकी शर्तें मंजूर करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि जितना एक्सपीरियंस आपको इस मिनिस्ट्री का है कोई और सोच भी नहीं सकता। हमारी धरती पर इस चक्कर में बहुत लोग आज कर रहे हैं महाराज। चमुंडा, अगर तुम लोगों ने हमारी आंखें खोल दी हैं, तो हम भी ब्रह्मा की आंखें खोल देंगे। महाराज अधिराज यमराज की जय। यमराज की जय। कॉमरेड, जब तक यम लोग के दरवाजे खुल नहीं जाते, हम लोग भी अपना आंदोलन बंद कर देते हैं। अब तो महाराज भी हमारे साथ है। यमराज जिंदाबाद। यमराज जिंदाबाद। यमराज जिंदाबाद। यमुना महाराज, एक प्रार्थना है। वो क्या? आप तो छुट्टी पर जा रहे हैं, थोड़े दिनों के लिए मुझे भी धरती पर भेज दीजिए। एक अधूरा काम है, उसे पूरा करके मैं वापस आ जाऊं। ये नहीं हो सकता महाराज। हमारे धर्म पुस्तक के 40वें सफे की तीसरी लाइन में लिखा है कि ये मिस्टर गुप्ता, जब पुस्तक ही बदल रही है तो थोड़ा सा आप भी बदल जाओ। मैं वादा करता हूँ आपकी छुट्टी खत्म होने से पहले मैं वापस आ जाऊंगा। अगर यकीन नहीं आता तो जमानत के तौर पर मेरा ये कार्ड रख लो, यानी मेरा पता। ले लो ले लो। जाने दो। थैंक यू। बाय कॉमरेड। धन्यवाद महाराज। बंद करो ये हम लोग का दरवाजा। तला ताला। आज हम छुट्टी पर है, मौत छुट्टी पर है। चमुंडा। सोच क्या रहे हो बेटा? बाप की चिता को आग लगाओ। आग ही तो लगानी है, बाकी क्या रह गया? बुड्ढा तो मर गया, वसीयत भी नहीं की। अरे बाबे, अरे बचाओ, अरे बचाओ, कोई बचाओ, अरे मुझे बचाओ। अरे बेटा, आप तो मर गए थे। मरा तो जरूर था, ऊपर जाके देखा तो यम लोग में ताला लगा है। मैं वापिस आ गया, मैं वापिस आ गया बेटा। अरे लोग अरे भाई, ये तो मर गए। अरे ये तो जिंदा हो गए। ताजुब है। Come on, darling. We are getting late. Team party का show है। अच्छा बात है। क्या समाचार बना रखा है यार? हम कहाँ जा रहे हैं चित्रगुप्त? महाराज, पहले हम भारतवर्ष की सैर करेंगे, क्योंकि भारतवासियों के दिल में हमारे लिए बहुत भक्ति और श्रद्धा है। यमुना, चित्रगुप्त जी। महाराज, ये गोल मकान क्या है? ये गोल मकान वही अखाड़ा है महाराज, जहाँ भारतवर्ष के भिन्न भिन्न प्रांतों के 500 प्रतिनिधि चिल्ला चिल्ला कर, चीख चीख कर भारतवर्ष के 50 करोड़ आदमियों का फैसला करते हैं, उनके रोटी कपड़ा और मकान का। यमुंडा, चित्रगुप्त जी। महाराज, ये सुंदर स्थान क्या है? महाराज, इसे ताज महल कहते हैं। आपको याद होगा शायद 400 साल पहले हमारे यहाँ एक बादशाह आया था, कुबेर की सिफारिश की एक चिट्ठी लेकर, और आप बहुत गुस्सा हो गए थे। पर वो शाहजहाँ, हाँ वही मुगल, उसने अपनी प्रेमिका के प्रेम की याद में ये प्रेम स्मारक मंदिर बना रखा है पब्लिक फंड से। या मुंडा, चित्रगुप्त जी। महाराज, ये लोहे का जंगला क्या है? महाराज, इसे हावड़ा ब्रिज कहते हैं। मनुष्य ने स्वर्ग और नरक के बीच में ये स्तंभहीन पुल बनाया है। क्या बना है? स्तंभहीन, नो पिलर्स। अंडरस्टैंड। चित्रगुप्त जी। महाराज, इस धरती के इन कीड़ों को अपने आप पर इतना घमंड, इतना गुरूर। हम इनके देश में आए हैं
ये हमारा स्वागत तो दूर रहा, हमें सब देखते तक नहीं। महाराज इसमें इनका कोई दोष नहीं है, हमारे धर्म पुस्तक की चौथी सफे की तीसरी लाइन में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि पृथ्वी का कोई प्राणी मानव ऐरा गैरा अपनी तरफ देवताओं की तरफ नहीं देख पाता। हम उन्हें देख पाते हैं, वो हमें नहीं देख पाते, क्योंकि हम देवता हैं महाराज। यमुंडा यमराज यमराज, यमलोक में तुम्हारी गैर हाजिरी की वजह से तीनों लोकों में हाहाकार मचा हुआ है। तुम कहाँ भटक रहे थे? भटक नहीं रहा, भटक गया था। मतलब? मतलब ये कि धरती के एक मनुष्य ने एक देवता की आंखें खोल दी। आज तक हम लोग सदियों से एक ही धर्म पुस्तक के अनुसार पापियों को सजा देते आए, लेकिन अब ये धर्म पुस्तक, ये कई युग के बनाए हुए कानून अब हमें बदलने होंगे। इसीलिए हम स्टडी टूर पे निकले हैं। तुम्हारे विचार तो अच्छे हैं, लेकिन याद रखो धरती पर कुछ सीखने के लिए तुम्हें इंसान बनना पड़ेगा, और इंसान बनने के बाद देवताओं की शक्तियाँ भी छोड़नी पड़ेंगी। जब तुम यमलोक वापस आना चाहोगे तुम्हें तुम्हारी शक्तियाँ वापस मिल जाएंगी। यही है हमारी इच्छा। तथास्तु। ओह, कमर टूट गई। यहाँ की धरती बहुत सख्त है। कुछ भी हो आखिर हम इंसान तो बन गए। ये कहाँ तुम, कहाँ से आए हो? अरे कहाँ से टपक पड़े तुम लोग? क्यों चिल्ला रहे हो? ये बालक कौन है? महाराज मुझे लगता है इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, ये कोई सनकी है। हैं? मुझे सनकी कहते हो? एक तो बगैर परमिशन के यहाँ शूटिंग कर रहे हो और ऊपर से सनकी कहते हो। कहाँ है, कहाँ है तुम्हारा, कहाँ है तुम्हारा प्रोड्यूसर डायरेक्टर? महाराज ये कोई नए नए नाम ले रहा है। यमुंडा है, यमुंडा पहले सनकी कहा अब यमुंडा, नई जबान में गालियां दे रहे हो? तुम देखो मुझे गुस्सा आ गया तो मैं दिल्ली की तार जेल में तुम्हें बंद कर दूंगा। चलो निकलो यहाँ से। हाँ मगरलाल ड्रेस वाले के ड्रेस पहन के आ जाते। देखिए कालीचरण जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन फर्ज से मजबूर, मिस्टर अमर पूरे 7 दिनों से गाँव से गायब है। इन लोगों का शक है कि शक नहीं इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने हमारे सामने अमर को जान से मार डालने की धमकी दी है। ये झूठ है अंग्रेजी में। अगर गुस्से में किसी के मुंह से कुछ निकल जाए तो इसका मतलब ये तो नहीं कि। कालीचरण जी मैं आपको सिर्फ 1 दिन की मोहलत देता हूँ, अगर आपने हमें अमर के बारे में सब कुछ सच सच न बता दिया तो मजबूरन। मजबूरन क्या? मुझे आपको शक की बिना पर गिरफ्तार करना पड़ेगा। चलो। मालिक मेरा तो दिल धड़क रहा है, बात कुछ लंबी हो गई है, कहीं कानून की लंबी रस्सी मेरे और आपके गले तक पहुंच गई तो क्या हुआ? अंग्रेजी में? अंग्रेजी में तो कुछ नहीं होगा, हिंदुस्तानी में फांसी लग जाएगी। क्या बकता है, जब तक हमारे बरेली वाले मंत्री जी मौजूद हैं कोई हमारी उंगली तक नहीं छू सकता। हम अभी जाते हैं उनके पास। चाय गरम, गर्मा गरम चाय पियो, चाय गरम। ए चाय वाला इधर आओ। हाँ साहेब। एक गरम अभी देता हूं। दांत काहे को कटकटा रहे हो साहेब? गर्मा गर्म चाय पियो, राम गुलाम की चाय इस स्टेशन में बहुत पॉपुलर है। लो। सुनो भाई मैं बाहर आता हूँ, तुमसे कुछ बात करनी है। मुझसे? हाँ तुमसे। अब आओ, तुमसे क्या बात करनी है? हाँ बोलो। इधर आओ इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? राम गुलाम। राम गुलाम? जी हाँ, राम भी है और गुलाम भी, नाम से तो राम है लेकिन इस पेशे की वजह से सबका गुलाम। नहीं तो क्या इस घटिया स्टेशन पर इतनी बढ़िया चाय बेचता? लो चढ़ाई जाओ और घुमाई जाओ फिर की सर्दी की। राम गुलाम बेटे तुम्हारे इस दुनिया में और कौन कौन है? साहेब ऊपर आकाश नीचे धरती, बीच में हम, न आगे का गम न पीछे का गम। दिन में चाय बेचते हैं और रात को इसी प्लेटफॉर्म पर मस्ती लेकर सो जाते हैं। दिन भर में कितना कमा लेते हो? साहेब कई गलती से आप इनकम टैक्स ऑफिसर तो नहीं, इस गरीब के पास क्या धरा है, 2-4 रुपए से ऊपर की फिरकी नहीं घूमती साहेब। सुनो अगर मैं तुमको 500 रुपए महीना दूं तो मेरे साथ चलोगे? हाँ क्या कहा साहेब, 500 रुपए महीना? हाँ हाँ 500 रुपए। अरे जल्दी करो साहेब, अरे घुमा देते फिरकी, जल्दी करो। चलो चलो चलो। ये लोग कौन है?
ये धरती के मानव है महाराज, ये हमारा स्वागत करने के लिए आए हैं। ये बात है क्या बुंदा? आओ आओ। ओ ये क्या? अरे एम्बर ने कहा क्या? इडियट। इडियट महाराज, नया शब्द है, नोट कर लूं? कर लो। बालक बालक, वो शब्द क्या है? बोलो 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 बोलो। नहीं नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम वो शब्द नहीं बोलोगे। अरे अरे, छोड़ो छोड़ो, शूटिंग का टाइम हो रहा है। नहीं नहीं, तुम्हें बोलना ही होगा। इडियट। ठीक है, हट जाता हूँ, लेकिन तुम ऊपर आना, देख लूंगा, सब कुछ नोट किया है। हाँ अरे जा जा, मुंशी का बच्चा, भागो यहाँ से। अच्छा अच्छा, इडियट। चला भी नहीं जाता। क्या हुआ महाराज? पेट में बहुत जलन सी हो रही है। समझ गया, ये भूख के आके जलन है महाराज। भूख? ये क्या चीज? हमारे धर्म पुस्तक के पहले सफे पे इस बीमारी का जिक्र है। इस भूख को मिटाने के लिए मानव बड़े बड़े पाप करता है। इससे पहले कि हमसे कोई पाप हो जाए, हमें इस आग को बुझा देना चाहिए। लेकिन कैसे? इस बीमारी का इलाज है भोजन। जी वो देखिए, वहां पे भोजन मिल सकता है। चलिए चलो। ये क्या है? बताऊं? हाँ बताइए। बताऊं तो है, और क्या बताऊं? आहा, ये किसकी शूटिंग हो रही है महाराज? हैं? ये गधा तो सानू दे दो, असी अपने बच्चियां नू डरावांगे। चमुंडा, आए हाय, डायलॉग ते चंगे बोलते हो। दांत। राम 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 राम। महाराज अब समझ में आया, पृथ्वी से यमलोक पर जितने मानव आते हैं ना, उनके दांत क्यों कम होते हैं। दोपहर सिंह पापा जी, कितने? 100 रुपये। शाजी 100 रुपये। अन्नदाता सुखी भव। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। पापा जी, पापा जी, चाची तोड़े। चाची, अरे वो पापा जी सारे पैसे तक किए। पापा जी, पापा जी, पापा जी, अरे वो दुखी का बच्चे, मैंने दुखी करके कैसे जा रहे हो? चल पैसे निकालो। पैसे? वो क्या होता है बालक? ओ पैसे नहीं समझता, कमाल। चल रुपया दे दे यार। रुपया? वो भी किस चीज का नाम है? हाँ रुपया नहीं तो नोट दे दे यार। हाँ हाँ, देता हूँ देता हूँ देता हूँ, अभी देता हूँ। ये लीजिए, ये सारी पुस्तक में बड़ी नोटे है, लीजिए। अबे शर्म नहीं आती? असी पंजाबियां, सानू धोखा देंदा तू? शर्म तो आपको आनी चाहिए, मेहमानों को खाना खिलाकर गर्दन पकड़ते हो, हैं? कलयुग में भी पाप की कोई सीमा होती है? क्या मुंडा, क्या मुंडा, किसका मुंडा? असी पंजाब का गुंडा। अरे सारे पैसे काटे तो अंदर जाके पत्थर मारने पाएंगे तानू। हाँ चमुंडा, युद्ध विराम, युद्ध विराम। आप क्रोधित मत होइए, आप गुस्सा मत होइए। महाराज मुझे लगता है कि यहाँ के रीत रिवाज हमारी दुनिया से कुछ अलग ही है। आप शांत रहिए, शांत रहिए। सुनिए, आप ये जो पैसे 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 कह रहे हैं ना, वो हमारे पास तो है नहीं, तो आप हमें ये बता दीजिए कृपया करके कि वो कहाँ से मिल सकते हैं, तो हम वो ला के आपको दे दें। गुरबचन सिंह, ले जाए दोनों उन सामने वाले मारवाड़ियों के कोल, और रख देना दी कृपाणगिरी भी, और ले जाए कमबख्तों नू कथे आंदी ड्रामा कंपनी सवेरे सवेरे। अरे खा के जान दे, पैसे भी नहीं देंदे। अरे देख लावांगा। आइए आइए, इस नाटक मंडली ने कैसे दर्शन दिए सडनली? सेठ जी, इन लोगों को कर्जा चाहिए। महाराज ये गदा दे दीजिए। कमुंडा, महाराज गदा दे दीजिए प्लीज। थैंक यू, ये लीजिए। इंस्पेक्टर क्या, माफ करना सडनली, हम असली चीजों के व्यापारी हैं। सेठ जी ये भी कोई नकली चीज नहीं है, जरा पकड़ के देखिए। तो, काफी भारी चीज है, आप जरा बैठिए, हम मशवरा करके आते हैं सडनली। महाराज आप विराजिए। असली सोना है
पांच छह लाख के नजर आते हो। हाँ जी फरमाइए, कितना चाहिए सडनली? कितना दे सकते हैं आप? हाँ देखो जी, हम तो लोहे का व्यापार बड़ी करते नहीं, फिर भी आप हमारी दुकान पर पहली बार आए हैं, बड़ी 500-600 रुपए तो हम दे ही देंगे। 5-6 लाख के माल के 600 रुपए? चलिए महाराज, ये लोग हमको ठगना चाहते हैं। चमुंडा, अरे कहाँ जा रहे हैं सडनली? ये तो नादान है, अभी अभी बोलना सीखा है, जबान फिसल गई सडनली, 5 लाख की जगह 500 भग दिया। आप जरा शरबत बरबत पीजिए, ठंडे हो जाइए। छोकरा छोकरा शरबत ला। छोकरे को बुलाने से पहले मुझे 100 पैसे दीजिए। अरे गधा दीजिए पहले, फिर 100 पैसे क्या, 100 का नोट लीजिए। नोट? हाँ अभी आए जी सडनली। बालक जी, ये लो, इसमें से जो भी थोड़ा बोड़ा बच जाए यमराज की तरफ से दक्षिणा समझ लेना। सर पंचामृत अच्छा है। वाह 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 वाह। लीजिए गिन लीजिए, पूरे 5 लाख है सडनली। हमें गिनना ही तो नहीं आता है बालक, ऐसे ही दे दीजिए। तुम्हारा हम पे विश्वास हो या ना हो, हमारा सब पे विश्वास। अब हम चले महाराज। चामुंडा, तो हम जा रहे हैं सडनली। महाराज ये देखिए, ये लाल रंग की बिल्डिंग को आयकर भवन कहते हैं, लेकिन यहाँ के लोग इसे हाहाकार भवन कहते हैं। चित्रगुप्त जी महाराज, तुमने हमको हल्का हल्का कर दिया, लेकिन महाराज मैं तो भारी भारी हो गया हूँ। महाराज कुत्ते हमारे धर्म पुस्तक की 34 सफे गिरी। धर्म पुस्तक को भागो। अरे कुत्ते हमारे ही पीछे क्यों पड़े? इसलिए महाराज कि हमारे लिबास देखकर सिर्फ इंसान ही नहीं जानवर भी हमें घटिया समझने लगे हैं, इसलिए हमें हमारी पोशाक बदल लेनी चाहिए, हमें मॉडर्न बन जाना चाहिए महाराज। चामुंडा चामुंडा, वाह 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 क्या रथ है, ओपन टॉप इम्पाला, जब सब कुछ बदल डाला तो वाहन भी बदल डालिए, इसमें भारत घूमने का बहुत मजा आएगा। दिल्ली मद्रास कलकत्ता लखनऊ। जरूर जरूर। आओ आओ चलो मत, आ जाओ आ जाओ। ये मकान भी आपका है? हाँ। और वो बड़े वाला मकान भी आपका? हाँ, वो भी मेरा ही है। आ जाओ आ जाओ अंदर आ जाओ। रात से मैंने तुमको जो कुछ समझाया था सब याद है ना अंग्रेजी में? अजी साहेब सब याद है, आप कहें तो अभी घुमा देते हैं। रुको रुको रुको, देखो एक तो तुमको अपनी ये फिक्की बंद करनी पड़ेगी और दूसरे बोलने का तरीका ही बदलना पड़ेगा। ठीक है कर लेंगे। अच्छा अब बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? राम गुलाम, मेरा मतलब है अमर। हाँ हाँ अमर अमर। देखो अमर एक बात मत भूलना कि तुम इस गांव की पंचायत के मुखिया भी हो। अजी साहेब आपने एक मामूली चाय बेचने वाले को एक पल में इतना बड़ा लीडर बना दिया, कमाल कर दिया। अरे अभी क्या है, आगे आगे देखना होता है क्या? अगर तुम होशियारी से काम करते रहे तो फिर तुम्हें कभी रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाकर चाय नहीं बेचनी पड़ेगी। सुनो तुम आराम करो, कल सुबह मैं तुम्हें सारे गांव के सामने एक नए रूप में पेश करूंगा। अच्छा अब मैं
देखो दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। हाँ कुछ कहा आपने? कहाँ थे इतने दिन? अजी झुमरी तलैया के प्लेटफॉर्म पे चाय बेचता था। जानते हो तुम्हारे बिना मेरी क्या हालत हो गई, ना दिन को चैन ना रात को आराम, और तुम जब से गए हो भूल कर भी याद नहीं किया। लगता है आपको कोई धोखा हुआ है। बनो मत अमर। अजी मेरा नाम अमर नहीं, राम गुलाम है, राम गुलाम। चुप रहो, डैडी से तुम क्या बातें कर रहे थे मैं सब सुन रही थी। अरे तो आप मालिक की बेटी है, तब तो हम आपके भी गुलाम ठहरे। ओ गुलाम हो ना? हाँ। तो आओ हमारे पाँव दबाओ। अरे नहीं नहीं, ये पाप मुझसे नहीं हो सकता, और वैसे भी किसी लड़की के बदन को छूते हुए मेरी फिरकी गुम जाती है। ठीक है तुम इस तरह नहीं मानोगे, मैं अभी जाके पूरे गांव के सामने तुम्हारी टोपी उतारे देती हूँ, फिर तमाशा देखना। अरे अरे सावित्री ठहरो, अरे सुनो तो। हमारी अम्मा ये लंगे वाली पीछे पड़ी है, पीछा न छोड़े। हमारी अम्मा, हमारी अम्मा। डगर में दिल मेरा लूटा, बीच डगर में दिल मेरा लूटा, उस पे मचाया ये शोर झूठा, उस पे मचाया ये शोर झूठा। गिन गिन के लूंगा तुमसे बदले, गिन गिन के लूंगा तुमसे मैं बदले, शादी में बाकी अब दिन है थोड़े। हमारी अम्मा ये टोपी वाला रस्ते में छेड़े, रास्ता ना छोड़े। Thank you.
चुकी ये झूठी लड़ाई, बस हो चुकी ये झूठी लड़ाई। अब प्यार होगा छोड़ो गलाई, करता हूँ मैं भी तुमसे वादा, करता हूँ मैं भी हाँ तुमसे ये वादा, करती हूँ को कसम जो वादा ये तोड़े है। हमारी अम्मा ये कभी वाला रस्ते में छेड़े, रास्ता ना छोड़े हाँ। पीछे पड़ी है पीछा न छोड़े। अब बताओ ये सब चक्कर क्या है? चक्कर ये है मेरी जान कि तुम्हारे डैडी ने मेरी जान लेने की कोशिश की, ये तो चमत्कार था कि बच गए हम। अब ये भेष बदल कर तुम्हारे डैडी को मजा चखाना चाहते, अगर तुम साथ दो तो अभी घुमाए देते हैं फिर के। तुम्हारा साथ दूंगी मगर एक शर्त पर। क्या? अब अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। जाना तो पड़ेगा ही, खैर जब वक्त आएगा तब देख लेंगे, अब तो चलो। वाह 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 वाह, अब तुम बिल्कुल अमर लगते हो। जो सबक तुम्हें पढ़ा है सब याद है ना अंग्रेजी? अच्छी तरह समझ गए। चाय वाला नहीं, तुम अमर हो, अमर की तरह बात करो। ऐसे बात करो? बहुत अच्छे। देखो वो सामने तुम्हारा घर है, वहाँ तुम्हारी माँ रहती है। मेरी माँ? राम गुलाम की माँ नहीं, अमर की माँ रहती है। हाँ, जैसे तुम वहां जाओगे वो अमर बेटे कह के तुमसे लिपट जाएगी। बोलो तुम क्या कहोगे? मैं हाँ? मैं कहूंगा मेरे बेटे मेरे बच्चे कहाँ गए थे तुम मुझे छोड़ के? माँ जिस उम्र में भी अपनी बूढ़ी माँ को इतना सताता है, शर्म नहीं आती दिखे? बच्चे थे ना पत्री ना कोई खबर, ये भी नहीं सोचा कि एक माँ पर क्या गुजरेगी। बोल कहाँ गया था तू? अमर बेटे, अमर बेटे तुम आ गए, कब आए तुम बेटे, कहाँ से तुम? चलो भगवान का लाख लाख शुक्र है तुम आ तो गए। बेटे तुम्हारे जाने के बाद इन लोगों ने मेरे सर पर वो इल्जाम लगाए कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। अरे अब बोलो, बोलते क्यों नहीं, दुकान क्यों बंद होगी तुम्हारी? बोलो बोलो बोलो। हाँ हाँ बोलो। मेरे डैडी पर कितना कीचड़ उछाल रहे थे तुम लोग, हमारी इज्जत को इज्जत नहीं क्या? अब अपनी सूरत देखो जाकर शीशे में। डैडी तुम जाकर पुलिस में रिपोर्ट लिखाओ, इन सबको मजा जगाओ। बस बस बस, बस 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 बस, मुझे मालूम है बेटे तेरा गुस्सा बहुत खराब है। देख खबर आ गया, हमारी इज्जत बच गई, ये लोग सब शर्मिंदा है। देख 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 इनके मुंह देख, सब शर्मिंदा है। What can I do for you, sir? हमको एक रहने के लिए एक कमरा चाहिए। Your signature, please. क्या? नाम लिखिए। नाम? ओ अच्छा अच्छा। चित्रगुप्ता शर्मा भव। वाह 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 वाह, लिखने का मजा आ गया। ऊपर वो मोटी कलम से लिखते लिखते उंगलियां भी मोटी होगी। काम की चीज है। कामिनी सुनो सुनो मेरी बात सुनो प्लीज, मैं बहुत दूर से आया हूँ, आपसे जरूरी बात करना चाहता हूँ। एक मिनट मेरी बात सुनिए। देखिए मेरी ओहो जल क्रीड़ा स्नान के क्या क्या स्थान, धूप में नाना हो बाहर, शाम में नाना हो अंदर। वाह मानव तू भी क्या क्या सोचता है, मानव वाह वाह वाह, तेरी बुद्धि का भी जवाब नहीं। वाह वाह वाह। रुक जा। हाँ
जय यमराज महाराज की। चित्रगुप्त, चित्रगुप्त क्या हुआ, क्या हुआ? ठीक है, चलो। महाराज हो जाए। क्या हो जाए? वही जो ये लोग कर रहे हैं। चामुंडा आप नाराज क्यों होते महाराज? जरा सोचिए, हम धरती पे कुछ सीखने ही आए हैं। लगे आज कुछ सीख लेंगे तो कल रंभा, मेनका, उर्वशी को भी सिखा पाएंगे। बड़े काम की चीज है। हाँ क्या ना? चाहिए चाहिए महाराज, चाहिए। दादा मुझे दे दीजिए, जाइए। यस यू आर वेलकम। हर लड़की को गिरफ्तार कर लो, एक एक कमरे की अच्छी तरह तलाशी लो। जाओ कम। आप लोग, तुम लोग उधर जाके ढूंढो, तुम उधर जाओ। आखिर आप लोग चाहते क्या है? वो लड़की कहाँ है? अच्छा तो तुम्हें भी वही बीमारी लगी है जो चित्रगुप्त को लगी है। बकवास बंद करो, ये बताओ वो लड़की कहाँ? वो रही साहब। क्या नाम है तुम्हारा? चामुंडा। मैं पूछता हूँ तुम दोनों का नाम क्या है? जी इनका नाम है YM राज। YM राज जी। हाँ। और मेरा नाम है चित्रगुप्त, CH गुप्ता। CH गुप्ता। आए कहाँ से हो? हम लोग, मेरा भी वही एड्रेस है। शट अप, लगता है तुम दोनों का नशा अभी नहीं उतरा। कांस्टेबल बंद कर दो इनको हवालात में। दूत महाराज एक मिनट। दरअसल बात यह है कि हम लोग इस लोक के नहीं है, उस लोक के हैं, और इस लोक के कायदे कानून जानते नहीं है। आप हमारी मदद कीजिए। आप इस लोक के नहीं? जी नहीं। उस लोक से आए? जी हाँ। और मेरी मदद चाहते हैं? जी नहीं। जी हाँ। नंबर 304। यस सर। इनको हवालात में बंद करके इनकी अच्छी तरह मरम्मत करो। चामुंडा एक मिनट। देखिए आप हमारी मदद नहीं करें तो अच्छा है, लेकिन एक काम कर दीजिए छोटा सा। इस लोक में हमारा एक परम मित्र रहता है, उसे हमारा संदेश पहुंचा दीजिए ताकि उसको मालूम पड़ जाए कि हम दोनों पे इस लोक में क्या बीत रही है। उसका देखिए ये है उसका परिचय पत्र। तुम लोग इसको जानते हो? जानते हैं दूत महाराज, आज जो हम दोनों की हालत हुई है उसकी जड़ यही माशे है। ठीक है, हम इन्हें खबर भेजते हैं। आप लोगों का छुटकारा हो सकता है अगर ये साहब आकर आपकी जमानत दे। हजामत? ओहो, हजामत नहीं, जमानत। जमानत ये नया शब्द है। महाराज एक नया शब्द मालूम हुआ है, जमानत। नोट कर लूं? लिख लो। गोपी जी, अनाज का एक दाना भी मंडी में न जाने पाए, और आसपास के गांव से जितना अनाज मिले खरीद लो, गोदाम में डाल दो। ऐसा ही होगा सरकार? ऐसा नहीं होगा। मैं जानता हूं काका,
अनाज कहाँ और किसके कब्जे में? ये तो हम भी जानते हैं बेटा, लेकिन कालीचरण के आगे किसी को बोलने की हिम्मत ही नहीं होती। आप लोगों ने उसके बही खातों में अंगूठा लगा लगा कर अपने आप को बुजदिल बना दिया। उसे कोई हक नहीं इस तरह अनाज इकट्ठा करके काले बाजार में काला धंधा करे। आओ मेरे साथ। आ जाओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत, पांव की धूल को मैंने सर पर क्या बिठाया? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, अपनी हैसियत तक भूल गए। मैं पूछता हूं क्या हक था तुम्हें मेरा माल लुटाने का? बोलो। माल लुटाया नहीं सेठ, गरीबों को उनका हक दिया है। और जो तुम्हारा हक है वो तुम्हारे सामने है, गिन लो। सरकार ने जो अनाज की कीमत रखी है उसमें से एक पाई भी कम नहीं। इंसाफ का यही तकाजा है। तुम कहां के राजा हरिशंकर हो जो इंसाफ का तराजू लेकर मेरे गोदाम में घुस गए? क्यों बेकार लाल पीले हो रहे हो सेठ? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वो गरीब तुम्हें कितनी दुआएं दे रहे होंगे। अरे चुप, खाली दुआओं से क्या इंसान का पेट भरता है? हमने इसलिए तुम्हें गांव का मुखिया बनाया था कि तुम हमारा माल बर्बाद करके हमें तो आगे दिखाओ। तो कौड़ी का नौकर होकर हमसे जबान लड़ाता है? देख सेठ, तुम भी जबान संभाल कर बात करो। यहाँ किस कंबक को तुम्हारी नौकरी की जरूरत है? अब एक माए देते हैं फिर की हम चले। अरे जाओ जाओ, डरता कौन है? तुम समझते हो कि पुलिस में जाकर तुम सब कुछ बता दोगे? अरे जाओ, हमें किसकी परवाह है। लेकिन एक बात याद रखना बरखुरदार, हमारा नाम भी कालीचरण है। अगर अमर के खून के जुर्म में तुम्हें फांसी के तख्ते पर लटकाया तो मेरा नाम बदल देना। नाम बदलने की जरूरत नहीं सेठ, नहीं तो पुलिस को अपनी फाइल बदलनी पड़ेगी। तुम की देता मुझे उल्टा चोर कोतवाल को ढूंढते। चोर कौन कोतवाल कौन, ये तो अब कोतवाली में पता लगेगा। अमर बाबू, आपको शहर के पुलिस थाने में साहब ने बुलवाया है। साहब ने क्यों बुलवाया है? अरे हमारी फाइल तो बंद हो चुकी है। वो देखो अमर बाबू वापस आ गए हैं। अब भी साहब को हम पे शक है? ये मुझे कुछ नहीं मालूम, अमर बाबू को साहब ने बुलवाया है। हम भी तैयार है, चलो। अरे पुलिस जी, आप बहुत दूर से आए हैं, थक गए होंगे, कुछ खा पी लीजिए, जाइए जाइए जाइए। ए मुरलीधर, इनको कुछ ठंडा गर्म पिला लो। ठहरो, मैं भी चलता हूँ। अरे भैया तुम कहाँ चले? गुस्से में इंसान से गलती हो ही जाती है। अजी गलती तो पाँव की इस धूल से हुई है। अरे कौन तुम्हें पाँव की धूल कहता है? तुम तो मेरे सर के फूल हो। छोटी की बात का बुरा मान गए? दो कौड़ी के नौकर की क्या मजाक जो आपकी बात का बुरा मान जाए। कौन गधा कहता है कि तुम मेरे नौकर हो? आप इन्हें तो कहा था। हाँ ठीक है ठीक है, मैंने कहा था मैं गधा हूँ, उल्लू का पट्टा हूँ। मगर भैया मुझे माफ कर दो, लेकिन सुनो एक बात है, किसी से ये मत कहना कि तुम कौन हो। लेकिन इसकी एक शर्त है। बोलो। आइंदा आप कभी मुझसे गुस्सा नहीं होंगे। अरे मेरी मौत आई है कि तुम पे गुस्सा करूं अंग्रेजी में। ठीक है तो हम फिर से घुमा देते हैं फिर की। अरे भैया जो घुमाना घुमाओ, मेरी जान बचा लो। अभी आया। जाओ बेटे। गुड मॉर्निंग नरेश। गुड मॉर्निंग अमर, बैठो। कैसे याद किया? अरे भाई मैंने याद नहीं किया, तुम्हें याद करने वाले हवालात में बंद है, वो देखो। अरे बाप रे, तुम इन लोगों को जानते हो? जी बहुत अच्छी तरह। ठीक है, तुम इस पर दस्तखत कर दो, मैं तुम्हारी जमानत पर इन्हें रिहा करता हूँ। कांस्टेबल, उन दोनों को रिहा कर दो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ और कुछ इसकी वजह से? मगर आप लोग यहाँ पहुंचे कैसे? आए थे यहाँ कुछ सीखने कि धरती के कुछ कायदे कानून सीख कर ये हम लोग के कानून सुधारेंगे, लेकिन इस कमबख्त ने यहाँ लाकर फंसाया, और वो भी एक लड़की के लिए। काम भी हुआ नहीं और कामों का बदनाम हो गया। अगर मेरी गदा उस मारवाड़ी के पास नहीं होती तो मैं तुम्हारा सर फोड़ देता। अमर, हम इसी वक्त वापस जाएंगे अपने लोग में, और तुम्हें भी हमारे साथ चलना होगा। मर गए, साथ चलना होगा? महाराज महाराज, ये जरा मुश्किल काम है। समुंदा, क्या मुश्किल? बात दरअसल महाराज ये है कि आपको यहाँ से ले जाने के लिए मुझे इन्हें रिश्वत देनी पड़ेगी। रिश्वत? क्या रिश्वत, कैसी रिश्वत? ये नया शब्द है, नोट कर लो। देखो, आपको बाहर निकालने के लिए मुझे इंस्पेक्टर साहब को रिश्वत देनी पड़ेगी, उनको रिश्वत देने के लिए आपको मुझे रिश्वत देनी पड़ेगी। हम कहाँ से लाएंगे रिश्वत? रिश्वत कहीं से लानी नहीं पड़ेगी, आपको बस एक वादा करना। वादा? हाँ, आपको मेरे गाँव चलकर थोड़े दिनों के लिए मेरे साथ रहना होगा। मैं अपना एक अधूरा काम पूरा कर लूँ
उसके बाद मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। अगर आप ये रिश्वत मुझे दें तो मैं ये रिश्वत आपके लिए उन्हें दे दूंगा। आप सोच क्या रहे हैं महाराज, अगर हम आसमान से टपके हैं तो फिर खजूर में अटकने से क्या फायदा, थोड़े दिनों की तो बात है, मान जाइए। जमुना मामा आया है। किसका मामा? जगत मामा है, और वो भी एक नहीं दो। दो? और तुम अपने साथ ले आए उन्हें यहाँ? मैं पूछता हूँ। देखिए आप फिर से गुस्सा कर रहे हैं। बेटे मैं गुस्सा नहीं कर रहा, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये मेरी प्राइवेट जगह है, सीक्रेट है। मगर मैं उन्हें कहाँ लेकर जाऊंगा सेठ, अपने घर तो नहीं ले जा सकता, क्योंकि असलियत खुल जाएगी ना तुम्हारी भी और मेरी भी। मुझे अपनी तो कोई चिंता नहीं, लेकिन पुलिस तुम्हारे बारे में पूछ के बहुत परेशान कर रही है। ठीक है बेटे, पहले ये बताओ कि तुम्हारे मामा जी यहाँ ठहरेंगे कितने दिन? यही कोई दो तीन दिन। दो तीन दिन? अरे तो फिर उन्हें बाहर तो खड़ा कर रखा है अंग्रेजी में, अंदर ले आओ ना। अंदर तो हम पहले ही आ चुके हैं, आप कहे तो आपके नजदीक आ जाते हैं। वाह 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 वाह, क्या घर है। ओ बापरे, तोरे क्या हो गया? तुमसे कहा था ना ताला मजबूती से बंद करना। ताला तो मजबूती से बंद किया था, लेकिन कुंडी लगाना भूल गया। दारू पीकर तुम बहुत सी चीजें भूलने लगे हो। बाप रे बाप, इतना सोना हीरे जवाहरात और वो भी असली। क्या कहा अंग्रेजी में? बात दरअसल यह है कि मामा जी बचपन से स्टेज पर यमराज का रोल करते रहे हैं ना, तब से उनकी आदत पड़ गई है। अरे कोई बात नहीं, अब आप यहाँ आ गए हैं, यहाँ हम आपको बड़ी अच्छी अच्छी चीजें दिखाएंगे। अरे बातों बातों में मैं तो इनका नाम बताना भूल ही गया था। यह है मेरे बड़े मामा जी यमराज, यह है मेरे छोटे मामा जी सीएच गुप्ता। नमस्कार। तुम इतने महान पुरुषों को यहाँ क्यों ले आए हो? यहाँ मैं इनकी क्या खिदमत करूंगा? अरे इनको हवेली में ले जाते ना। बेटे जैसे तुम्हारे मेहमान हमारे मेहमान, अरे तुम्हारे मामा हमारे मामा। चलिए 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 आइए तशरीफ लाइए। ये क्या? असली मक्खन। आप मक्खन नहीं जानते अंग्रेजी में? मामा जी जानते तो सब कुछ है कालीचरण जी, लेकिन आज तक मामा जी को मक्खन लगाया नहीं किसी ने। ये क्या है? मसालेदार आलू। आलू दालू, और गुप्ता जी आंख लड़ गई और दिल में घर गई। अबे क्या हो रहा है चित्रगुप्त? महाराज इसे वायु अथवा गैस कहते हैं, ये धरती पे मानव जो रहते हैं उनकी ये बीमारी है, लेकिन ये अच्छे भोजन के तृप्ति की निशानी भी है। ओ समझा, भोजन बड़ा स्वादिष्ट था, तुमने बनाया था बेटी? हाँ मामा जी। ओ हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, ये भोजन हम कभी नहीं भूले। तो फिर जल्दी से आशीर्वाद दे दीजिए ना मामा जी। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ, जल्दी स्वागत करो। तू तो नहाओ, तू तो फलो। मालिक ये बोतल तो पूरी खाली हो गई, मगर आपकी आंखों में अभी तक नींद नहीं आई। अरे गोपी, जिन आंखों के सामने इतने हीरे जवाहरात नाच रहे हो, उन आंखों में नींद क्या खाक आएगी? मगर ये मामा अपने बक्से को छाती से लगाए रखता है, कमबख्त छोड़ता ही नहीं। बस यही तो मुसीबत है अंग्रेजी में, मामा बक्से को नहीं छोड़ता और बक्सा मुझे नहीं छोड़ता। सुंदरी मैं आ गया हूँ। सुंदरी सुंदरी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चुप 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 चुप। देखो मैं एक छोटी सी अर्ज करने आया हूँ।
एक दो दिन में हम लोग वापस जाने वाले हैं, हमारी गाड़ी छूटने वाली है। तुम ही मेरा आखिरी स्टेशन हो, मेरी प्यास बुझा दो। प्यास? इतनी रात को खाओगे? प्यास नहीं, प्यास, हाँ, प्यास।, प्यास। पानी लाती। पानी का? मेरी आंखों की प्यास बुझा दो। अरे तुम्हारी आंखों की प्यास क्या बुझाऊं? मेरी आंखों की प्यास तो बुझ चुकी है। वो क्या कर रहे हैं? वो कौन? वही लंबे लंबे मूंछों वाले, या मुंडा? वो बुड्ढा? हाँ। वो तो सो रहे हैं। क्या? मैं हूँ, मैं कमरे के सामने निकल रहा था, दरवाजा खुला देखा, हीरे जवाहरात पड़े हैं, वो तो मैं आ गया। अगर कोई चोर आ जाता तो क्या होता? चित्रगुप्त का है? हाँ है। क्या? उसके बारे में सोचना छोड़ दो। क्यों? वो तो 30,000 साल पुराना बुड्ढा है। वो बिल्कुल ही सेकंड हैंड माल है। चित्रगुप्त! यस सर। चित्रगुप्त? यस सर। कहाँ चले गए थे तुम? महाराज बात ये कि मैं कुछ खाना कम खाया था ना, तो मैं बाहर खाना खाने चला गया था। दरवाजा बंद करो, चुपचाप सो जाओ, और तुम भी जाओ। हाँ। जी जी मैं तो जा ही रहा हूँ। लेकिन मामा जी आप अपने हीरे जवाहरात का ख्याल रखिए। सुनिए। हीरे जवाहरात का ख्याल हम रखेंगे। हाँ। आप अपना ख्याल रखिए। चलिए जाइए। क्या करता है ना सब कुछ ऐसा ड्रामा फिट करना कि मामा जी की आंखें भी लाल हो जाएं, लेकिन गुस्से से नहीं, रोने से। अरे कॉलेज में तुम्हारे साथ बहुत नाटक खेल चुकी हूँ, ये कौन सा मुश्किल काम है? अच्छा तुम चलो, मैं आती हूँ। धरती को आकाश पुकारे जाना ही। कहाँ की तैयारी हो रही है? कहीं घूमने जा रहे हैं आप लोग? घूमने नहीं, हम लोग वापस जा रहे हैं परलोक। और तुम भी तैयार हो जाओ, सवेरे मुर्गे की पहली बांग के साथ साथ हम लोगों को दुनिया छोड़नी पड़ेगी। लेकिन अगर हम लोग चले गए तो उस अबला का क्या होगा? किसका क्या होगा? सावित्री का। तुम क्यों रो रही हो बेटी? इधर आओ, बताओ ना क्या दुख है तुम्हें? ये क्या बताएगी और कैसे बताएगी, लड़की है ना, इसलिए इसकी जुबान खामोश है। ये बेचारी एक लड़के से प्यार कर, और वो लड़का, वो गधा क्या कहता है? जी वो गधा भी इससे प्यार करता है। फिर मजबूरी क्या है, शादी क्यों नहीं कर लेता? यही तो उलझन है, ये उससे प्यार करती है और वो इससे प्यार करता है, मगर इसका बाप दौलत से प्यार करता है, इसलिए वो इसकी शादी इसकी मर्जी के खिलाफ किसी और से कर देना चाहता है। महाराज हमारे धर्म पुस्तक के 4वें सफे की 3री लाइन के अनुसार लड़की की शादी वही हो सकती है जहाँ पे उसके माँ बाप की मर्जी हो। बाहर में जाओ तुम और तुम्हारी धर्म पुस्तक। एक लड़की किसी से प्यार करती हो और उसी से शादी करना चाहती हो, ये क्या पाप है महाराज? हरगिज नहीं। चित्रगुप्त नोट करो, अपने लोग में जाने के बाद हम अपने कानून को बदल डालेंगे। तब तक क्या ये शादी रुकी रहेगी? इसका बाप जबरदस्ती इसकी शादी किसी दूसरे से कर देगा। तो फिर हम अब क्या करें? तुरंत एक ऑर्डिनेंस पास कर दीजिए। क्या ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं, ये धरती है महाराज, यहाँ जिसके हाथ में ताकत है और कदमों के नीचे कुर्सी है, वो जब चाहे अपने मतलब के लिए कानून का उलटफेर कर सकता है। आप भी तो धरती पर है महाराज, आप क्यों नहीं कर सकते? जा मुंडा। चित्रगुप्त इस कानून को बदल डालो, अभी इसी समय और इसी वक्त हमसे सबला के आंसू नहीं देखे जाते, इसे हमें अपनी बेटी माना है। घबराओ नहीं बेटी, तुम्हारी शादी वही होगी जिसे तुम प्यार करती हो, हम खुद तुम्हें आशीर्वाद देंगे। अमर तैयारी करो, हमारे पास समय नहीं है, शादी आज ही रात को होगी। जी महाराज बहुत बहुत धन्यवाद। आओ सावित्री तैयारी करें। मामा जी मैंने सुना सुबह आप जा रहे हैं। हाँ हमारे जाने का समय आ गया है। लेकिन मामा जी मैं उन्हें वचन दे चुका हूँ अंग्रेजी में। वचन दे चुके हो? किसे? अपने पड़ोस के गांव वाले हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, मैंने उन्हें दावत पर बुलाया है खास आपके लिए। मामा जी उनकी एक बेटी है, बहुत अच्छा गाती है, क्या नाचती है, बड़ी सुंदर लड़की है। लड़की? सुनिए लड़की की उम्र क्या होगी? उम्र यही कोई 16 और 18 के बीच। 16 और 18 के बीच?
तब तो खाली पड़ेगी दावत। सुनो, तुम मामा जी को समझाओ, अगर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो मेरी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी। अगर आपकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी तो मिट्टी की इज्जत का क्या होगा? समझाओ समझाओ ये। अच्छा अच्छा, महाराज मान जाइए ना, नहीं तो मेरा मतलब है इनका दिल टूट जाएगा। कमुंडा, अब हम नहीं रुक सकते, जाना ही होगा। लेकिन महाराज, जाना तो हमको सवेरे है और प्रोग्राम तो रात को है ना कालीचरण जी? जी हाँ, ऐसे प्रोग्राम तो रात के समय होते हैं, 10 और 12 के बीच। आप बहुत होशियार हैं, प्रोग्राम 10 और 12 के बीच में और लड़की 16 और 18 के बीच में है। महाराज हाँ कह दीजिए। ठीक है, लेकिन याद रखो, हमारे जाने का मुहूर्त अटल है, चल नहीं सकता। मामा जी, मुहूर्त मुहूर्त है, दावत दावत है।
कन्या, हम तुम्हारे नृत्य से बहुत प्रसन्न हुए, तुम्हें पुरस्कार देते हैं। मित्रगुप्त जी, चाबी कहाँ है? चाबी, चाबी तो मेरे पास नहीं है महाराज। ये तो बड़ा चालाक प्राणी निकला महाराज, वहां पर दिखा दी हमको छोरी और यहाँ करने आया चोरी। कुछ समझ में नहीं आता महाराज, ये धरती के लोग धन के इतने लोभी क्यों हैं? लोभ तो इंसान की कमजोरी है। अरे चलो, अपने वचन के अनुसार हमें भोरत पर पहुँचना है। जो आ गया मा। मामा जी अभी तक नहीं आए, वो अपना वचन कहीं भूल गए तो? वो अपना वचन कभी नहीं भूलते, जरूर आएंगे। वो आ गए। अरे चलो मामा जी। बाय मां, बाय मां, बाय मां। बेटी मुहूर्त निकल जाता तो कोई दुख नहीं था, आप निकल जाते तो बहुत दुख होता। अच्छा हुआ आप समय पर आ गए। शुभ काल आरंभ हो पंडित जी। अरे भाई, भाई आप यहाँ आराम कर रहे हैं, उधर आपकी बेटी की शादी हो रही है। क्या कहा? हाँ मालिक, वो लफंगा हमारे आपकी बेटी के साथ मंडप में फेरे ले रहा है। अरे तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपने आदमी इकट्ठे करो, अमर के एक एक आदमी को ठिकाने लगा दो, शादी को मंडप में सबकी समाधि बना दो। जाओ जाओ। सौ साल जियो, दूधो नहाओ पूतो फलो, सदा सुहागन रहो, अखंड सौभाग्यवती भवा। थैंक यू महाराज। तुम? आपके मुंह से ये दो लफ्ज सुनने के लिए हम कब से तड़प रहे हैं। तुमने सावित्री से शादी की है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? इतना सस्पेंस न हो महाराज, तो फिर क्लाइमेक्स में क्या मजा है? आपका आशीर्वाद मिल गया, अब आप लोग निश्चिंत होकर वापस जा सकते हैं। हम जा सकते हैं? क्या मतलब, तुम हमारे साथ नहीं चलोगे? महाराज अभी अभी आपने मेरी पत्नी को सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया, अब उस आशीर्वाद की खातिर मुझे यहाँ रुकना ही पड़ेगा, वरना ये सुहागन कैसे रहेगी? अब आप ही बताइए महाराज, मैं ही आना हुआ तो हमारे बच्चे कैसे होंगे, हमारे बच्चों के बच्चे कैसे होंगे, और उनके बच्चे? क्या मुंडा, बहुत चालाक हो, हम बहुत प्रसन्न हुए, अब तुम्हें यमलोक में आने की जरूरत नहीं। क्या हो रहा है महाराज? ये युद्ध हो रहा है, अगर हम दोनों ने कुछ किया नहीं तो महायुद्ध हो जाएगा। हाँ। ओम नमो ब्रह्मा। Ha 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 ha!
गोपी 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 लगता है शास्त्री जी के बाहर में कुछ कमी रह गई है। हमार पूरी तरह मरे नहीं, उठा लाठी कर दो खत्म। देखा इंस्पेक्टर साहब, ये आपके सामने हमारे दोस्त की जान लेने की कोशिश कर रहा है। दोस्त? तो तुम राम शास्त्री नहीं? जी नहीं सरकार, खाकसार को राम शास्त्री नहीं, राम गुलाम कहते हैं। अजय आपने भी तो हमारे दोस्त की फिरकी घुमाने में कोई कसर नहीं बाकी रखी थी। इंस्पेक्टर साहब ये तो अच्छा हुआ जिस ट्रेन में ये कातिल सफर कर रहा था ना, हम भी इत्तेफाक से उसी कंपार्टमेंट में थे। सोते में इनकी जेब से एक लिफाफा गिर गया, पता देखा तो उन साहब का था, और जो मजमून पड़ा तो हमें मालूम पड़ा कि ये साहब हमारे दोस्त की फिरकी घुमाने के चक्कर में थे। तब से हमने ये नाटक करने का फैसला कर लिया। साहब विलेन आपके सामने है, हथकड़ियां आपके हाथ में है, लगाइए और ले जाइए इन्हें। लेकिन हमारा जुर्म क्या है? अमर तो आपके सामने सही सलामत खड़ा अंग्रेजी में। देखिए जब हमने किसी का खून ही नहीं किया तो सजा किस लिए? वो इसलिए कि आपने खून करने की साजिश तो की है। चलिए अमर बेटे इन्हें समझाओ ना। गर्दन पर छुरी चलाते वक्त बेटे का ख्याल नहीं आया? ये तो अच्छा हुआ कि राम गुलाम ने वक्त पर मुझे सब कुछ बता दिया, वरना तुमने तो मुझे सचमुच ऊपर पहुंचा दिया था। अमर एक बात बता मुझे, तुझे आंख खोलने की इतनी जल्दी क्यों थी? मैं बोल गया था ना मेरे आने तक लेटे रहना, आंख मत खोलना। यार मैं तो लेटा ही रहा लेकिन गहरी नींद आ गई, और उस नींद में मैंने एक सपना देखा, लोग परलोक घुमाया। लगाओ इन्हें हथकड़ी। बेटे समझाओ समझाओ इन्हें। बेटे अगर मुझे हथकड़ी लग गई तो तुम्हारी इज्जत का क्या होगा? बेटे समझाओ इन्हें, समझाओ जरा। मैं समझा तो सकता हूँ लेकिन एक शर्त है। क्या? अगर तुम इस बेटे को दामाद बना लो तो मैं सब कुछ भूलने के लिए तैयार हूँ। हम उससे काम नहीं चलेगा। बोलो इन सबके सामने कि मैं सावित्री का हाथ इस हाथ में देने का वचन देता हूँ। इंस्पेक्टर मैं वचन देता हूँ अंग्रेजी में। अंग्रेजी में नहीं हिंदी में। अजी गोली मारी है अंग्रेजी को। मैं हिंदी में तुम्हें अपना दामाद स्वीकार करता हूँ। अब तुम भी अपना काम दिखा दो इंस्पेक्टर, नाटक वालों को पुलिस की वर्दी वापस कर दो, नाटक तो खत्म हो गया। तो क्या ये पुलिस भी? जी हाँ नकली है, लेकिन घबराइए नहीं ससुर जी, आपका दामाद तो असली है। बारातियों बारातियों बारातियों, शुभ काम तो हो गया, भोजन तैयार है, आइए और खाइए, और कल दोस्तों के साथ